विश्व कुश्ती संस्था यानी UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कुछ समय पहले ही भारतीय कुश्ती संघ को समय पर चुनाव कराने की वार्निंग दी थी। UWW ने इसके लिए सबसे पहले 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखा था, जिसमें अगले 45 दिन यानी 15 जुलाई तक चुनाव कराने को कहा गया था और कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी और ये सदस्यता सस्पेंड कर दी गई है। आपको बता दें कि अब से भारतीय पहलवानों को किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलना है तो वो तिरंगे के नीचे नहीं खेल पाएंगे और ना ही उनके साथ भारत का नाम जुड़ेगा। अब भारतीय पहलवानों को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम पर ही खेलना होगा। भारतीय पहलवानों को अब आगे ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप के लिए भी खेलना है और ये टूर्नामेंट 16 सितंबर से शुरू होंगे। इसमें भारतीय पहलवान अपने देश के नाम के साथ नहीं खेल सकेंगे। तो वहीं WFI के सस्पेंशन के बाद भारत के शीर्ष पहलवानों की रिएक्शन भी सामने आए हैं। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने लिखते हुए ट्वीट किया है कि भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। ब्रजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दौड़े। ये ब्रजभूषण और उसके आदमी देश को कितना नुकसान करेंगे। तो वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इस बाबत गुस्सा जाहिर किया है। स्वाति भी लिखते हुए ट्वीट करती है कि वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने की वजह से अब विदेश में भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, राष्ट्रगान नहीं चलेगा। इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है? देश और ब्रजभूषण में से चुनना था, आपने ब्रजभूषण चुना। तो जाहिर सी बात है, पहलवानों का गुस्सा तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब सवाल टिका हुआ है कि आगे जो टूर्नामेंट होने हैं उनमें पहलवानों का क्या कुछ रिएक्शन हो गया और WFI चुनाव अब कब तक होंगे, ये भी अपडेट जैसे ही सामने आएगा आप तमाम दर्शकों तक इस अपडेट को हम साझा करेंगे। बहरहाल आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय रखिएगा। साथ ही चौकर तक की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।